साथियों, अस्सलाम वालेकुम मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ खैर मकदम करता हूँ वेलकम करता हूँ आपके अपने की यूट्यूब चैनल जी एस ऑनलाइन पर एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जी ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा ठीक है सभी को सलाम आफरीन फैज़ शेख गौशिया के एमडी कौसर आलम नूर आलम जी चलिए सभी का वेलकम है रिजवान जी मोहसिन अहमद आयशा जी चलिए सभी का वेलकम है साथियों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कलीम आजिश के बारे में और फिर साथ में पढ़ेंगे शहर यार के बारे में देखिए ऐसे उर्दू अदब में जब तो आप पढ़ेंगे ना तो ऐसे आप फिराक़ गोरखपुरी जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको साथियों किन के बारे में जी क़ुरत हैदर के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है क़ुरतलायन हैदर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको साथियों किन के बारे में पढ़ना होगा जी जो उर्दू के ज्ञान पीठ इनाम याफ्तगान है उसमें सबसे पहले फ़िराक़ गोरखपुरी क़ुरतल हैदर और उसके बाद साथियों आपके कौन है ये हाफिज आ, ये क्या बोलते हैं एक और हैं शहरे यार और एक और नाम आ रहा है जिनको उन्नीस में साथियों मिला था ज्ञान पीठ इनाम आ, क्या बोलते हैं जी आ ना नाम आ जा भाई जबान पे है लेकिन इस वक्त ये बोलते हैं ना पेट में है दिमाग जबान पे नहीं आ रही है। देखते हफीज जालंदरी नहीं है ये हैं क्या बोलते हैं उनको देखता हूं कमेंट आ जाएगा तो मैं ये कर दूंगा अली सरदार जाफरी जी ठीक है अली सरदार जाफरी जी जी अली सरदार जाफरी जी तो इन चार के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है तो आज जो है ना हम लोग शेर यार के बारे में भी पढ़ेंगे चलिए बहुत शानदार चलिए ठीक है मुकम्मल हयात सबसे पहले हम लोग जानेंगे कलीम आजिज के बारे में उसके बाद साथियों फिर हम लोग जानेंगे शेर यार के बारे में एक एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ठीक है यह वीडियो जो है डी त्रिपल एस मी टी जी टी यूपी टीजी टी एनवीएस ये सब में आपको काम आएगा उर्दू अदब के अंदर लेकिन सी टेड में यह वीडियो आपको काम नहीं आएगा कलीम आजिज सबसे पहले जानते हैं कि कलीम आजिज़ का असल नाम क्या है कलीम आजिज़ का असल नाम है कलीम अहमद क्या नाम है कलीम अहमद और यह तखलुस क्या करते थे आजिज आजिज़ क्या कहता इनका तखलुस था इनके वालिद का नाम था किफ़ायत हुसैन और इनकी वालदा का नाम था फातिमा शहीद क्या नाम था उम्मतुलफातिमा शहीद पैदाइश जो है 11 अक्टूबर 1946 सौ ईस्वी को पटना में इनकी पैदाइश हुई थी और वफात जो है 15 फरवरी 2015 तो हजार पंद्रह ईस्वी को हजारीबाग और हजारीबाग जो है ना ये भी पटना में ही पड़ता है वहां पर इनकी वफात हुई थी कलीम आजिज़ ने बी एनर्स उर्दू में पटना यूनिवर्सिटी में उन्नीस में अव्वल पोजीशन से किया था कलीम आजिज़ ने अख्तर और एनवी की जेर निगरानी बिहार में उर्दू शायरी का इरता जैसे देखिए साथियों जो भी पीएचडी वगैरह करेंगे ना रिसर्च करेंगे तो आपके पीएचडी का आपके थे का एक मौजू होता है तो इनका जो पीएचडी का मौजू था बिहार में उर्दू शायरी का इरता के मौजू पर मकाल लिख कर जे और मकाल लिख कर पटना यूनिवर्सिटी से उन्नीस में पी की डिग्री हासिल की थी जो बाद में दफ्तर गुम गश्ता के नाम से शाये हुआ था कलीम आजिस को कहा जाता है जानशीने मीर कहा जाता है क्या कहा जाता है जानशीने मीर कहा जाता है कलीम आजिस की शायरी के बारे में कहा जाता है कि उनकी शायरी का खमीर 1946 के फसाद से तैयार हुआ कहा जाता है साथियों कि 1946 जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था तो उस वक्त बहुत सारे राइट्स हो रहे मतलब ये हो रहे थे हिंदू मुसलमान के ये और उनके गांव में भी जो फसाद हुआ उनका साथ नज़रिया ये मतलब उनके साथ ये हुआ कि उनके जितने भी भाई बहन थे सबके सब उस फसाद में जल गए थे और अकेले वही बचे थे तो वहीं से उन्होंने शेर व शायरी स्टार्ट किया था कलीम आज इसकी शायरी में मीर की तरह कुनूतियत गालिब है ठीक है चलिए अब उसके बाद कली माजिश के जो तसानीफ है देखिए आपको एग्जाम में इनके तसानीफ पूछा जाता है और इनका असल नाम पूछा जाता है कली माजिज़ के जो तसानीफ है उसमें आता है पहला शेरी मजमुआ वो खुद नविशत जो है वो जो शायरी का सबब हुआ ये बहुत ही फेमस है इसको याद रखिएगा वो जो शायरी का सबब हुआ किनका है कली माजिज़ का है जहां खुशबू ही खुशबू थी ये इनका लिखा हुआ खुद नश्त है अभी सुन लो मुझसे ये भी इनका लिखा हुआ खुद नवि है जब फसल बहारा आई थी जब फसल बहारा आई थी ये गज़ल का मजमु है यहाँ से काबा काबा से मदीना ये सफ़रनामा है एक देश एक विदेशी ये भी इनका सफ़रनामा है उसके बाद कूचा जाने जाना नज़मों का ये मजमू है कलीम आजिज़ के ये साथियों तसानीफ हैं अब हम लोग जानेंगे कि कलीम हाजिज़ ने जो साथियों जो इनाम उनको मिले हैं उसको भी हम लोग देखते हैं इनामात कलीम आजिज को मीर अकादमी लखनऊ ने इम्तियाज मीर इমতিازه मीर अवार्ड 1981 में क्या किया था नवाजा था कलीम आजिज को हुकूमत ए हिंद ने पद्मश्री से 1987 में क्या किया था नवाजा था यानी ये पद्मश्री याफ्तागान थी जे उसके बाद आगे है कलीम आजिज को महकमा राजभाषा हुकूमत बिहार के जरिया एक लाख इक्कावन हजार रुपए का मौलाना मजहरुल हक एवॉर्ड 2001 में दिया गया था उसके बाद आगे है कलीम आजिज को मीर तकी मीर एवार्ड से 2008 हजार ईस्वी में नवाजा गया था जी उसके बाद आगे है साथियों कि कलीम आजिज को गालिब अकादमी दिल्ली ने गालिब एवॉर्ड से 2012 में नवाजा था ये इनके एवार्ड थे ठीक है ना अब क़लीम मजि के कुछ मुंतखब अशार हैं इनको भी आप लोग देख लीजिए चमन अपना लुटा कर बुल नाद नादाह निकली मुबारकबाद तेरी आजू सयाद निकली है मेरा कातिल उन्हें कहते हैं सब और ठीक कहते हैं मेरा कातिल उन्हें कहते हैं सब और ठीक कहते हैं कसम बार वो खाए कसम खाने से क्या होता है खाने से क्या होगा खुदा चश्मे को बड़ी बेदर्द निकली है बड़ी जल्लाद निकली है ये तो कलीम आजिस के साथियों शेर हैं लेकिन कलीम आजिस का एक गजल है जो कि बहुत ही फेमस है आमतौर पर यह बहुत सुना जाता है इसलिए इसको भी आप याद कर लीजिए चूंकि आपको साथियों इसी असबाक के अंदर यह सब चीजें पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे जैसे कलीम आजिज का एक शेर है गजल है इस नाज इस अंदाज से तुम हाये चलो हो इस नाज इस अंदाज से तुम हाये चलो हो रोज एक गजल हमसे कहलवाए चलो हो रखना है कहीं पाओ तो रखो हो कहीं पाओ चलना जरा आया है तो इतराए चलो हो दीवाना गुल कैदिए जंजीर हैं और तुम क्या ठाट से गुलशन की हवा खाए चलो हो मैं मैं मतलब शराब जी मैं में कोई खामी है न सागर में कोई खोट पीना नहीं आए है तो छलकाए चलो हो हम कुछ नहीं कहते हैं कोई कुछ नहीं कहता तुम क्या हो तुम्हें सबसे कहलवाए चलो हो जुल्फों की तो फितरत ही है लेकिन मेरे प्यारे जुल्फों की तो फितरत ही है लेकिन मेरे प्यारे जुल्फों से ज्यादा तुम बल खाए चलो हो उसके बाद आगे है वो शौक सितम ग ढाए चलो हो वो शौक सितम गर्तु धा, सितम ढाए चले है तुम हो के कलीम अपनी गजल गाए चलो हो ये साथियों कलीम आज़िस का ये गजल है ठीक है ना उसके बाद आगे चलते हैं आगे हम लोग हयात विदमात जानेंगे शहरे यार किनका जानेंगे शहरे यार शहर यार का असल नाम था कुंवर अखलाक क्या नाम था कुंवर अखलाक मोहम्मद खान याद रखिएगा यह नाम आपको पूछा जाता क्या नाम था कुंवर अखलाक मोहम्मद खान और यह तखल करते थे शहर यार इनके वालिद का नाम था कुंवर अबू मोहम्मद खान और वालिदा का नाम था बिस्मिल्ला बेगम इनकी जो पैदाइश है किन शहर यार की 16 जून 1936 सौ ईस्वी को बरेली में इनकी पैदाइश हुई थी और वफात जो है तेरह फरवरी उन्नीस सौ बारह ईस्वी को अलीगढ़ में इनकी वफात हुई थी शहर यार तखलस रखने का वाक्य ये है कि हैदराबाद के शाज तमकनत ने शहर यार पर किसी महफिल में जोर डाला कि वो शहर यार अपनी कलमी नाम रखें शाज तमकनत की इस तजवीज को सब ने पसंद किया खलील रहमान आजमी ने कहा कि कंवर का मुतबाद शहर यार है इसलिए तुम अपना नाम शहर यार रख लो शहर यार ने इस तजवीज़ को मान लिया और वो कवर अखलाक मोहम्मद खान से शहर यार हो दिया और अपना नाम ये शहर यार रख लिया तख्लु और इसी से वो फेमस हो गए शहर यार की पहली गजल जो है उनका नाम है मशरब कराची में 1955 में ये क्या हुआ था शाये हुआ था शहर यार ने बाकायदगी के साथ शायरी उन्नीस में शुरू की थी शहरे यार का ताल्लुक सहाफत और फिल्मी दुनिया से भी था किससे था सहाफत और फिल्मी दुनिया से भी था शहर यार ने अलीगढ़ मैगजीन माहनामा गालिब हमारी जबान फिक्र नजर शेर व हमत वगैरह की इदारत भी की थी यानी इसके वो मुदीर भी थे कौन शहर यार खलील रहमान आजमी से शहर यार के गहरे मरासिम थे किससे खलील रहमान आजमी से ठीक है ना उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग जो तसानीफ है जो किताब है शहर यार के उसमें नाम आता है इसमें आजम ये बहुत ही फेमस है और इसी पर इनको ज्ञानपीठ इनाम मिला था इसलिए आप इसको याद रखिएगा इसमें आजम ये इनका पहला शेरी मजमु है जो 1965 में शाये हुआ था सातवां दुर दर होगा सातवां दर उन्नीस में ये शाय हुआ था हिजर के मौसम 1978 में ये शाये हुआ था उसके बाद साथियों है आगे है खाब का दर बंद है खाब का दर बंद है 1985 में शाम होने वाली है 2004 हजार ईस्वी में यह शाये हुआ उसके बाद आगे है काफले यादों के 1987 में यह शाये हुआ इंतखाब जी धूप की दीवारें उन्नीस में मेरे हिस्से की जमीन ये कुल्यात हिंदी है यार दो हजार सात ईस्वी में साथियों पाकिस्तान से शायद हुआ था और यार का जो जो इनाम मिला है उसमें साथियों सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि यार को ज्ञानपीठ दो हजार आठ ईस्वी में दिया गया था जो उनके पहले शहरी मजमु इसमें आजम के एवज में मिला था इससे पहले हमने पढ़ा है किसके बारे में फिराक गोरखपुरी को कि उनको उन्नीस में मिला था जे गुल नगमा लिखने के एवज में और आगे पढ़ेंगे क़ुरतल हैदर को उन्नीस में मिला है फिर हम लोग पढ़ेंगे अली सरदार जाफरी को उन्नीस में और 2008 में शहर यार को मिला शहर यार को उनके दूसरे मजमुआ सातवा दर उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी इनाम से उन्नीस में नवाजा गया था शहर यार को साहित्य अकादमी अवार्ड से उन्नीस में नवाजा गया था और उसके बाद शहर यार को फिराक़ सम्मान एवार्ड से उन्नीस में नवाजा गया था तो साथियों आज के इस पूरे वीडियो में जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया वो पढ़ाया कलीम आजिस के बारे में कलीम आजिस की पैदाइश 1926 और वफात जो है वो 2015 और उसके बाद हमने पढ़ा शहर यार के बारे में तो शहर यार के बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि शहर यार की जो पैदाइश है वो साथियों कब हुई थी तो शेर यार की पैदाइश 1936 यानी मुंशी प्रेमचंद का डेट डेट और पैदाइश और वफात और 2012 में इनकी वफात हुई थी ठीक है अब चलते हैं मारूजी सवाल की तरफ और देखते हैं कितना आपका सही होता है एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि साथियों जे चलिए शुरू करते हैं मुंदरजा जैल में ज्ञानपीठ इनाम याफ्ता कौन है फैज अहमद फैज समद शेर यार मतकी मिर तो इनको कब मिला है 2008 में किसके लिखने के एवज में इसमें आजम इसमें आजम क्या है एक शेरी मजमु क्या है शेरी मजमु तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं दो नंबर में कलीम आजिज की वफात कब हुई थी उन्नीस में 2005 में 2015 में और 1926 में देखिए हम इतना जानते हैं 1926 में इनकी पैदाइश हुई थी और 15 फरवरी 2015 में इनकी वफात हुई थी ठीक है ऑप्शन नंबर सी अगला क्वेश्चन है शहर यार के पहले शेरी मजमु का नाम क्या है पहले शेरी मजमु का सातवां दर इसमें आजम हिजरे के मौसम खाब का दर बंद है पहला शेरी मजमु तो पहला शेरी जो मजमु है इनका उनका नाम साथियों क्या है वो नाम है इसमें आज़म क्या नाम है इसमें आज़म ठीक है ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन चार नंबर में है शहर यार का शेरी मजमु इसमें आजम कब शाये हुआ था 1965 में उन्नीस में उन्नीस में और उसके बाद है उन्नीस में शहर यार का साथियों शेरी मजमु इसमें आजम जो है वो सबसे पहली बार 1965 में शाय हुआ था कब हुआ था 1965 में शाय हुआ था ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन साथियों है कि अगला क्वेश्चन है पांच नंबर में शहर यार का शहर यार का शेरी मजमु सातवां दर कब शाय हुआ था उन्नीस सौ पैंसठ उन्नीस सौ उनहत्तर उन्नीस सौ अठहत्तर उन्नीस सौ पचासी सातवां दर देखिए शहर यार का शेरी मजमु सातवां दर जो है ना ये इनका दूसरा शेरी मजमु कौन सा है दूसरा है तो पहला तो था इसमें आजम जो 1965 में शाये हुआ था सातवा दर ये उन्नीस में शाये हुआ है ठीक है ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा और साथियों अगर आपको हिजरे के मौसम पूछ लिया जाता जो कि इनका तीसरा है तो हिजरे के मौसम जो है वो आपका 1978 में हुआ और अगर आपसे पूछ लिया जाता कि साथियों ख्वाब का दर बंद है क्या ख्वाब का दर बंद है का है ये साथियों पचासी में शायद हुआ था ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है यह किसका कौल है महमूद शीरानी का मोहम्मद हुसैन आजाद का मसूद हुसैन खान का डॉक्टर जी सुनीति चटर्जी का उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है क्या होगा राइट आंसर चलिए देखिए साथियों हाफिज महमूद शिरानी का तो मानना है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई जबकि मोहम्मद हुसैन आजाद का मानना है कि उर्दू जो है वो ब्रिज भाषा से निकली है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है मगरबी अहद की बोलियों में कौन सी बोली शामिल नहीं है खड़ी बोली कन्नौजी अवधी और हरियाणवी मगरबी अहद की बोलियों में जी पहला चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था ना उसी में साथियों आपको ये था जी बताइएगा चलिए फटाफट जल्दी जल्दी से बताएंगे देखिए साथियों अवधि जो है ना ये उसमें शामिल नहीं है मगरबी अहद की बोली में ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है मुकदमा तारीख़ जबान उर्दू ये किसका नज़रिया है मसूद हुसैन खान महमूद शीरानी मुहुद्दीन कादरी जोर शौकत सब्जवारी क्या पूछा गया मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू ये किसका लिखा हुआ है तो ये किताब है मसूद हुसैन खान का ऑप्शन नंबर ए अगला क्वेश्चन है जी उर्दू की लिसानी तश्कील में किस जबान को बुनियादी हैसियत हासिल है पाली को ब्रिज भाषा को खड़ी बोली को पंजाबी को यानी पूछा गया कि उर्दू की लिसानी तश्कल में कौन सी जबान को बुनियाद यानी कहाँ से उर्दू निकली है हम सभी को ये पता है कि उर्दू और हिंदी दोनों का जो माखज़ है वो क्या है खड़ी बोली है क्या है साथियों खड़ी बोली है क्या है खड़ी बोली और खड़ी बोली कहाँ से निकली है तो खड़ी बोली साथियों कहाँ से है तो खड़ी बोली जदीद हिंद आर्याई क्या जदीद हिंद आर्याई खानदान से कौन सा जदीद हिंद आर्याई खानदान से ठीक है चलिए तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन जी देखिए और जदीद हिंद आर्याई से भी आगे बढ़ेंगे ना तो जदीद हिंद आर्याई दौर और इससे भी बढ़िएगा आगे तो आपका हो जाएगा हिंद यूरोपी खानदान क्या हो जाएगा हिंद यूरोपी खानदान क्या हो जाएगा हिंद यूरोपीय खानदान इस तरह होगा यानी हिंद यूरोपीय खानदान को साथियों तीन भागों में बांटा गया उसमें है जदीद हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई में भी क्या आता है खड़ी बोली आता है अगला क्वेश्चन उर्दू किस लिसानी से ताल्लुक रखती है ताल्लुक रखती है तो उर्दू जो है साथियों वो हिंद आर्याई खानदान से ताल्लुक रखती है ऑप्शन ए अगला क्वेश्चन है पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है या फिर उर्दू पंजाब से निकली है किसकी बात किसने कहा मसूद हुसैन खान ने महमूद मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जी उसके बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उसके बाद हाफिज महमूद शिरानी ने तो पंजाब ने उर्दू ये किताब है हाफिज महमूद शिरानी की ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली किस इलाके से ताल्लुक़ रखती है अवध बिहार मगरबी बोली जनूबी हिंदी ये खड़ी बोली किस इलाके से ताल्लुक़ रखती है खड़ी बोली देखिए आप सभी को पता होगा कि साथियों जो शोर शेरी इलाका है यानी जो अपरंश का इलाका है वहाँ पर क्या है खड़ी बोली वहाँ पर है ठीक है ना शोर शेरी अपभरंश आपने पढ़ा होगा शोर सीनी अपरंश तो वहाँ से ताल्लुक़ रखती है और शोर सीनी जो है ना वो मगरबी हिंद की बोली है कहाँ है मगरबी बोली में आती है इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है उर्दू कवायद की सबसे पहली तसनीफ़ का नाम क्या है दरिया ए लताफत फसाहत आमद नामा उर्दू कवायद उर्दू कवायद की सबसे जो पहली किताब है उस किताब का नाम है दरिया ए लताफत इस किताब को लिखने वाले हैं इन खान इंशा इंशा अल्लाह खान इंशा ने इस किताब को लिखा है ठीक है जे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं चौदह नंबर में मसूद हुसैन खान ने किस इलाके को उर्दू जबान का गहवारा बताया दक्कन को सिंध को नवाह दिल्ली को और पंजाब को मसूद हुसैन खान ने किस इलाके को उर्दू जबान का गहवारा बताया तो उन्होंने बताया है नवाह दिल्ली को ठीक है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हिंद आर्याई से किसका ताल्लुक नहीं है यानी हिंद आर्याई से किसका ताल्लुक नहीं है खड़ी बोली का अवधि का हरियाणवी का कन्नौजी का हिंद आर्याई से किसका ताल्लुक नहीं है चलिए सभी लोग बताएंगे हिंद आर्याई से किसका ताल्लुक नहीं है पंद्रह नंबर क्वेश्चन तो देखिए हिंद से जिसका ताल्लुक नहीं है वो है अवधि ठीक है ना ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सत्रह नंबर में उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई यह किसका नजरिया है मोहम्मद हुसैन आजाद सैयद सुलेमान नदवी नसीरुद्दीन हाशमी मसूद हुसैन खान उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई

ये साथियों बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक की लिखी हुई किताब है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है उर्दू जबान किताब है मसूद हुसैन खान महमूद शीरानी रशीद हसन खान की गोपी चंद नारंग की उर्दू जबानो लिसानियत किसकी किताब है 18 नंबर तो उर्दू जबानो लिसानियात ये किताब है गोपी चंद नारंग गोपी चंद नारंग की ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हिंद आर्याई के माहिर कौन है हिंद आर्याई लिसानात के माहिर कौन है जी सनेती कुमार चटर्जी मोहम्मद हुसैन आजाद, आजादीन कादरी जोर और एन ए खान जी क्या होगा चलिए क्या पूछा गया आपसे पूछा गया हिंद आर्याई लिसानियात के माहिर कौन है तो वो है साथियों जी स्नेति कुमार चटर्जी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है उर्दू का ताल्लुक बराह रास्त किससे है मशरक़ी हिंद से मगरबी हिंद से ब्रिज भाषा से कन्नौजी से उर्दू का ताल्लुक बराह रास्त किससे है तो देखिए चूँके साथ ही उर्दू जो है वो खड़ी बोली से निकली है और खड़ी बोली जो है वो शोर शेनी का इलाका कहलाता और शोर शेनी जो है वो मथुरा के इलाके को बोलते हैं और मथुरा के इलाके में जो जबान बोली जाती हैं वो मगरबी हिंद की बोली कहलाती है तो उर्दू का ताल्लुक़ कहाँ से होगा मगरबी हिंद से होगा कहाँ से होगा मगरबी हिंद से होगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है इक्कीस नंबर में गुरेर सन ने हिंदुस्तान की आर्याई जबानों की कितनी शाखों में तकसीम किया दो में तीन में और उसके बाद है चार में और उसके बाद है पांच में जे इक्कीस नंबर क्वेश्चन जे क्या पूछा गया हिंदुस्तान की आर्याई जबानों को कितने हिस्सों में तकसीम किया किसने गुरेरसन ने तो याद रखिए साथियों उन, उन्होंने टोटल पांच हिस्सों में तकसीम किया था ऑप्शन नंबर डी अगला क्वेश्चन है किस महक् ने यह दावा किया है कि उर्दू तरकी लफ्ज़ नहीं है शमशुलरहमान फ़ारूकी ने गोपी चंद नारंग ने और उसके बाद आपका है मसऊद हुसैन खान ने और उसके बाद फिर आपका है महमूद शीरानी ने देखिए साथियों शमशुलरहमान फ़ारूकी ने यह दावा किया था कि उर्दू जो है ना वो तर्की ज़बान का लफ्ज़ नहीं है ठीक है ऑप्शन ए अगला क्वेश्चन है हिंदी का अवलीन अवामी शायर किसे कहा जाता है देखिए उर्दू का अवामी शायर तो नज़ीर अकबर को कहा जाता लेकिन हिंदी का अवलिन अवामी शायर जी वली दकनी को कुली कुतुब शाह को अमीर खुसरू को और नज़ीर अकबराबादी को किसको कहा जाता अवलीन अवामी शायर तो साथियों याद रखिएगा अमीर खुसरू को कहा जाता अमीर खसरू को जो है ना तो हिंदी कहा जाता तोतीय हिंद जो है वो इनका लकब है ठीक है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है चौबीस नंबर में खड़ी बोली का ताल्लुक किस अपभ्रंश से है शोर सीनी मगधी अजय आपका अर्ध मगधी महाराष्ट्री किस शोर सीनी से आपको पता है कि साथियों शोर जो है ना उसकी पांच अपभ्रंश जो है उसकी पांच बोलियां हैं और जो पूछा गया खड़ी बोली तो खड़ी बोली का जो है ना वो शोर सेनी से ताल्लुक है और शोर सेनी साथियों मथुरा के इलाके में जो जबान बोली जाती है उसको शोर सेनी कहते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है मशरक़ी हिंद की खास बोलियां कितनी है दो है तीन है चार है और उसके बाद है पांच है मशरक़ी हिंद की खास बोलियां कितनी है मशरक़ी हिंद की खास बोलियां साथियों टोटल तीन है कितनी है तीन है ऑप्शन नंबर बी पच्चीस का राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है पराकृत के पराकृत के बड़े आलिम मार्कंडे ने अब भ्रंश को कितनी किस्में की हैं पांच की हैं आठ की हैं ग्यारह की हैं तीन की हैं ये ऐसे तो भ्रंश को पांच किस्मों में बांटा गया है लेकिन मार्कंडे के मुताबिक अब भ्रंश को साथियों तीन किस्मों में बांटा गया मार्कंडे ने कहा है कि नागर अब भ्रंश क्या बोला है नागर अब भ्रंश और उसके बाद आपका प्राचड़ अपभ्रंश और उसके बाद उपनागर अपभ्रंश ये तीन में बांटा है तो प्राकृत के बड़े आली में मार्कंडे और इनके मुताबिक अपभ्रंश की साथियों कितनी किस्में हैं तीन किस्में हैं और लेकिन अपभ्रंश की साथियों अक्सर माहिर लिसानियात पांच किस्मों में बांटते हैं अपभ्रंश को कितने किस्मों बांटते हैं पांच किस्मों में बांटते हैं पहला है शोरशीनी जिससे के मथुरा के इलाके में जो जबान है बोली जाती है और शोर सीनी में साथियों पांच बोलियां आती हैं इसी में खड़ी बोली भी आती है दूसरा जो आपका अपभ्रंश है वो है मगधी अपभ्रंश और तीसरा जो है आपका वह है साथियों महाराष्ट्री और चौथा जो है या और कैकई और पांचवा जो है वह आपका अर्ध मगधी अपभ्रंश ठीक है ना लेकिन मार्कंडे के मुताबिक अपभ्रंश को तीन किस्मों में बांटा गया ऑप्शन डी अगला क्वेश्चन है माहिर माहरे ने अदबी प्राकृतों को कितने हिस्सों में तकसीम किया 11 में 7 में 5 में और चार में क्या होगा राइट आंसर सत्ताईस क्वेश्चन कितने हिस्सों में अदबी प्राकृत को तकसीम किया किसने माहिर कियात ने याद रखिए साथियों अदबी प्राकृत को माहिर लिसानियात ने पांच हिस्सों में तकसीम किया है ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन अट्ठाईस नंबर में मथुरा में बोली जाने वाली शोरसीनींश में कितनी बोलियां शामिल हैं ग्यारह चार और पांच और साथियों तीन सबसे पहले एक बात याद रखिए मथुरा के इलाके में जो बोली बोली जाती है उसी को साथियों शोर सीनी कहते हैं और इस शोर सीनी के अंदर टोटल पांच बोलियां आती है कौन कौन सी आती है तो याद रखिएगा पहला आता है साथियों खड़ी बोली और इसी खड़ी बोली से उर्दू और हिंदी निकला है दूसरा आता है साथियों राजस्थानी क्या आता है राजस्थानी ठीक है और तीसरा आपका आता है साथियों क्या पंजाबी क्या आता है पंजाबी और चौथा ये तीसरा आपका आता है पंजाबी और उसके बाद आपका आता है गुजराती क्या आता है साथियों गुजराती क्या आता है गुजराती ठीक है तो ये साथियों मथुरा में बोली जाने वाली शो शो क्या बोलते हैं शोरसीनी जो है इसके अंदर पाँच बोलियां आते हैं ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा ठीक है चलिए तो आप लोग बताइए कितना आपका राइट हुआ और साथियों एक चैप्टर आपका यहां पर कंप्लीट हो गया है तो कौन से चैप्टर कंप्लीट हुए उसको मैं बताना चाहूंगा अब कल से हम लोग एक नए चैप्टर का आगाज करेंगे ध्यान दीजिएगा हम लोग साथियों सबसे पहले लिसानियात मैंने आपको पढ़ाया लिसानियात में मैंने आपको लगभग लगभग चीज़ें मैंने मोटी मोटी तौर पर समझा दी बता दी उसके बाद हमने पता पढ़ाया आपको गज़ल का आगाज़ इब्तदा या फिर आगाज़ो इरतिका गजल का आगाज़ व इर्तिका ये मैंने पढ़ाया तो ये आपका कंप्लीट हो गया टोटल अट्ठारह वीडियो में मैंने इसको कंप्लीट कर दिया अब कल से आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं बताइए जी ठीक है बताइए आप लोग और साथियों जो लोग भी हमारे ऑफिशियल ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए फायदा होगा तैयारी अच्छी होगी नोट्स मिलेगा पीडीएफ मिलेगा सब चीज होगी ठीक है कौन सा वीडियो पढ़ेंगे कल सा कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हैं ये बताएंगे आप लोग तनकीद मेरा अपना मानना है कि तनकीद को अभी जो है ना कि थोड़ा सा रुक जाइए तब मैं पढ़ाऊंगा जी तनकीद को नाविल नज्म के इर्तिका आप अपने एतबार से अच्छा वो दास्तान मसनवी डरामा ये सब आप लोगों को याद है देखिए आप रिसाला का टेंशन ना लीजिए रिसाला भी हम पढ़ा देंगे ड्रामा तनकीद को अभी छोड़ दीजिए तनकीद को मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर को मुकम्मल होने के बाद जी जी ठीक है इंक्वायरी वाले नंबर पे पता कर ले हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है देखिए चूंकि मेरा अपना मानना है बहुत कन्फ्यूज़न होती है तनकीद तनकीद में कितना तीन चार क्वेश्चन रहता है ना ऐसा नहीं ना कि सारे क्वेश्चन तनकीद से ही रहते हैं ऐसा नहीं है अब देखिए लिसानियात आपको पढ़ाए हैं इस वक्त तक पढ़ाए थे सभी चीज़ें आपको याद थी लेकिन आज भूल गए ये धीरे से फिर वो कम्प्लीट होगा दोबारा रिवीज़न होगा इसी तरह तनकीद भी आपको पढ़ाऊँगा इन ठीक है तो ठीक है कल मैं देखता हूँ मेरा अपना मानना ये है कि अगर दास्तान से शुरू किया जाए तो देखिए उर्दू में सबसे कदीम रिवायत जो है ना वो दास्तान से है कहाँ से है दास्तान से है तो अगर दास्तान से शुरू किया जाए तो हालांकि बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा रखी है तो अगर दास्तान से शुरू किया जाए तो आपकी तैयारी बहुत हद तक अच्छी हो जाएगी और डेली दास्तान है इसको कंप्लीट कर देंगे उसके बाद आपका नाविल है ड्रामा है आसाना है तनकीद है फिर रिसाला है ठीक है ना एग्ज़ाम में आपके टाइम है जी ठीक है चलिए देखिए आपको नोट से लेना है कुछ भी जानकारी चाहिए इसके लिए बाबा ये नंबर है हमारे ऑफिशियल ग्रुप हैं वहाँ से आपको मिल जाएंगे सारे नोट्स मिल जाएंगे कोई घबराने वाली बात नहीं है ठीक है चलिए बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का थैंक यू मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ जब तक के लिए खुदा हाफिज़